अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ जो शाही टुकड़ा होता है उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बट ये हम बनाएंगे रस्क के साथ, जो रस्क का ब्रिटानिया का टोस्ट होता है उसके साथ बनाएंगे। और इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, जो मैंने ब्रेड के साथ बनाया था, तो आप प्लीज़ जाके वो भी देख सकते हो। और ये मैं बना रही हूँ रस्क के टोस्ट के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट ले लिया है जो कि है 30 रुपीज़ वाला, 30 रुपीज़ का जो आता है। बस हमें एक पैकेट लगेगा, इससे हमारा काफ़ी जो शाही टुकड़ा है वो बन के रेडी हो जाएगा। ये सिंपल वाला रस्क है जो हम टी टाइम पे लेते हैं, ये देखिए। तो अभी हम इसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया है और इसमें जो कलर है ना वो अभी भी कम है। तो हम वो कलर लाने के लिए, जो शाही टुकड़े का कलर होता है उसे मेंटेन करने के लिए, हम इसमें थोड़ा सा हम इसे घी से फ्राई कर लेंगे ताकि वो कलर भी हमें आ जाए। तो हम यहाँ पर 1/2 कप घी ऐड कर रहे हैं इसमें। जब घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, मेल्ट कर लेना हमें अच्छे से घी को। आप ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन घी में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी आपकी रेसिपी। तो इसमें हम एक एक रस्क ऐड कर देंगे। बस इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो आपको जो फ्लेम है गैस की उसे भी स्लो रखनी है और इसे जल्दी जल्दी से निकाल देना है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी कलर आ जाएगा। आप ज़्यादा इसे डीप फ्राई करने जाओगे तो वो जल जाता है। तो ये कलर एकदम परफेक्ट है हमारे शाही टुकड़े के लिए। तो हम इतना कलर आने के बाद इसे निकाल देंगे और ये बाकी जो हमारे टोस्ट है उसे भी हम उसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम पैन में 1 टेबल स्पून घी ऐड कर लिया है। इसमें हम हमारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। हमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को इसमें फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। तो इसमें मैंने काजू, बादाम और रेजिन ऐड किया है और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत डार्क कलर भी नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया। लाइट कलर जब आ जाए तो हम इसे निकाल देंगे और साइड में रख देंगे। और यहाँ पर पैन में अब मैं 1 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। ये 250 ग्राम शुगर होगा, तो हम इसे ऐड करेंगे। और साथ ही में 1.5 कप हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। हमें इसकी चाशनी रेडी करनी है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा एक तार वाली, दो तार वाली कोई चाशनी नहीं चाहिए। यहाँ पर सिर्फ जो शुगर सिरप होता है वो रेडी कर लेना है हमें। तो यहाँ पर हमारी शुगर मेल्ट होने लगी है, तो हम इसे थोड़ा सा मिला देंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, ये टोटली ऑप्शनल है। और यहाँ पर मैंने रोज़ एसेंस ऐड किया है, ये दोनों भी आप स्किप कर सकते हो, अगर होगा तो डाल देना। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लेना। और यहाँ पर मैंने 2 कप मिल्क ले लिया था जिसे मैंने गर्म करने रख दिया था। हमें इसे ना थोड़ा सा पकाना है, इसकी क्वांटिटी हमें थोड़ी सी कम करनी है, जिस तरह हम रबड़ी बनाने के टाइम पे करते हैं। लेकिन हमें बहुत इसे रबड़ी जैसा नहीं बनाना है, क्योंकि हम इसकी एक मलाई रेडी करेंगे। तो इसे मैं अभी स्टर करते जा रही हूँ, हम इसे पकाते जाएँगे। और ये थोड़ा सा क्वांटिटी जो है इसका कम हो गया है। तो यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क लिया है और हम इसमें 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। अगर आपके पास जो खोया होता है, मावा होता है, अगर वो रहे तो आप वो डाल देना। मेरे पास वो नहीं था इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। और इसे डाल के हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर जो होता है वो लिया था और 2 टेबलस्पून में मिल्क जो ठंडा वाला होता है दूध, वो मिल्क उसका मिक्सचर रेडी किया था। और ये स्लरी रेडी करके मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि एक थिकनेस आएगी मिल्क में और जो मैंने मलाई बोला है वो रेडी हो जाएगी। तो ये हमारी मलाई रेडी हो गई है। इसमें आप इलायची पाउडर वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हो, मैंने वो सब नहीं ऐड किया है। तो यहाँ पर हमारा मिल्क रेडी हो गया है। यहाँ पर आपको प्रोसेस बहुत फास्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग ट्रे ले ली है जिसमें भी आपको सर्व करना है।
तो हम अब इसमें हम हमारी जो चाशनी थी उसे थोड़ी सी गर्म ही आपको इसमें डालनी है, वो ऐड थोड़ी सी डाल देंगे, और हमारे जो रस्क के टोस्ट थे जो हमने फ्राई किए थे वो इसमें इस तरह से लेयरिंग कर देंगे, और अभी हम जितनी भी हमारी चाशनी थी वो सारी इसके ऊपर पोर कर देंगे। चाशनी आपको थोड़ी सी गर्म ही रखनी है, बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी तो आप थोड़ा सा गर्म कर लेना। और ये मैंने सारी ये चाशनी को इसके ऊपर पोर कर दिया है, और आपने अब हमने जो मलाई बनाई थी ना वो भी हमें गर्म ही रखनी है। ये थोड़े से मेरे पास ड्राई फ्रूट है जो हमने पहले डीप फ्राई किए थे, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये वही मलाई है जो हमने बना के रेडी की थी, इसे भी अच्छी तरह से पोर कर देंगे। जब अच्छे से इसे आप पोर कर दो, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी टूटी फ्रूटी है, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल देना वरना स्किप कर सकते हो आप। तो ये अच्छा आता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है शाही टुकड़े में, जब आप बाइट लेते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से आलमंड से स्लाइस आलमंड है, और ये वही मैंने रेजिन है वही ऐड कर दिए इसमें, और इसे हमें सेट करने रख देना है। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सेट होने के लिए, आप आधे से 1 घंटा करोगे तो ये मलाई अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर मैं इसे कट करके आपको बता देती हूँ, ये सेट हो जाती है जैसे मैंने बताया, आप देख सकते हो इसकी लेयर कितने आसानी से ये निकल आई है। अगर आपके घर पर कोई मेहमान आने वाले हो, गेस्ट आने वाले हो, तो तभी भी आप इसे रेडी कर सकते हो। तो रेसिपी देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपके साथ ईट वेल का गुलाब जामुन जो इंस्टेंट मिक्स होता है उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। ये इस तरह के पैकेट में आता है, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है ईट वेल गुलाब जामुन, और ये इंस्टेंट मिक्स होता है। इसमें हमें सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए होते हैं, ये 200 ग्राम के पैकेट में आता है, और जो भी जितना भी कैसे बनाना है इसका सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये रेसिपी को बनाएंगे। उसके लिए हमें 1 कप दूध, 2 कप चीनी, और थोड़े से बादाम लिए हैं मैंने, वो टोटली ऑप्शनल है, और इलायची पाउडर है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैकेट ओपन कर लिया है, और हम इसको एक बाउल में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है, और इसका एक हमें डो तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा आटा जो है हमारा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, और इसे हम रख देंगे साइड में। तो यहाँ पर मैंने 2 कप शुगर ले लिया है, और 2 कप ही हम पानी डालेंगे, और हमें कोई थिक वाली चाशनी नहीं रेडी करनी है, नॉर्मल चाशनी ही हमें रेडी करनी है इसकी। तो यहाँ पर हमारी चीनी पिघल गई है, तो हम इसमें इलायची डाल देंगे, और यहाँ पर मेरे पास थोड़े से सैफ्रन थे तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है, ये अगर आपके पास हो तो आप डालिए वरना इसको स्किप कर देना। तो यहाँ पर हम इसे मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे, ये रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारे आटा है गुलाब जामुन का, इसके हम छोटे छोटे से बॉल बना देंगे, लेमन साइज़ स्मॉल, ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपको कितने बड़े बनाने हैं, तो मैंने तो बहुत छोटे छोटे से बनाए, तो आप देखना आपको किस तरह से जमे उस तरह से आप बना लेना, और इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है और इसे गरम कर लिया है। यहाँ पर हम छोटा सा गुलाब जामुन का टुकड़ा यहाँ पर डाल के देखेंगे हमारे ऑयल और जो घी है वो प्रॉपर गरम हुआ है या नहीं, तो ये बराबर है, तो अब इसमें हम जो हमारे गुलाब जामुन है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सारे गुलाब जामुन ऐड करते जाऊँगी, ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो ऑयल है घी है वो बराबर गर्म हो चुका है, तो ये अपने आप ही ऊपर आ रहे हैं, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसे चलाते रहना है साथ साथ में,
ताकि ना ये जो कलर है ना वो सबका एक जैसा हो, किसी का कलर अलग ऐसा ना हो, तो इसीलिए बस हमें चलाते रहना। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया है। और मैं आपको पास से भी दिखाते जाती हूँ कि हमें ऐसे ही कलर चाहिए, तो ये बन गया है, अभी रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हमारी चाशनी भी रेडी है, इसे मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया था, तो इसमें हम हमारे गुलाब जामुनों को ऐड कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसे हम थोड़े देर के लिए ढक के रख देंगे, लाइक आधे से 1 घंटे के लिए। और बाद में मैंने इसे एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लिया था, ये देखिए ऊपर से सिर्फ मैंने थोड़े से पिस्ता और बादाम लगा दिए हैं, ये ऑप्शनल है, आपको लगाना है तो आप लगा देना। और मैं इसे आपको कट करके भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है और इसमें हम हमारे गुलाब जामुन को रख देंगे। ये देख सकते हो आप कितने बड़े गुलाब जामुन बने, मैंने कितने छोटे से बॉल्स बनाए थे। तो ये देखिए हमारे डिलीशियस वाले गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स के साथ रेडी हो चुके हैं। आज मैं आपके साथ मैंगो खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनती है, और आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी बन जाती है, क्विकली आप इसे बना सकते हो अगर आपके घर पर मेहमान आ जाए, और ये लाइक बहुत कम टाइम में बन जाती है। तो चलिए हम इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप मिल्क ले लिया है, ये नॉर्मल मिल्क है, आपको गरम मिल्क नहीं लेना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला ले लेना है। इसमें हम 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे, मेरे पास वनीला फ्लेवर वाला अवेलेबल था तो मैंने वो यूज़ किया है, अगर आपके पास कोई और फ्लेवर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। साथ ही में मैंने यहाँ पर अमूल का मिठाई मेट होता है जो, उसे ले लिया है। हम इन दोनों से ही हमारी खीर को बनाएंगे, और ये सबके घर पे भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर मिल्क ले लिया है, जिसे मैंने बॉईल करने रख दिया था पहले ही। जब इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो हम थोड़ा सा इसे चला लेंगे, और जो साइड में जो जो मलाई होती है ना उसे भी हम निकालते रहेंगे, और इसे अच्छे से पका लेंगे थोड़ा सा। और अभी हम इसमें 200 ml हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो इसमें यूज़ करेंगे, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी है, शक्कर हम इसमें डालेंगे और शक्कर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिल्क के साथ। और इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे, जैसे मैंने बोला साइड में जो भी मलाई वगैरह लग जाती है उसे आप निकालते जाइए, इससे जो मिल्क है वो जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। और ये वही है कस्टर्ड का मिक्सचर जो मैंने साइड में बना के रख दिया था, उसे हम ऐड कर देंगे। और अभी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छी तरह से पका लेना है। हमने कम ही कस्टर्ड डाला है, हमें बहुत ज़्यादा कस्टर्ड गाढ़ा नहीं चाहिए, हमारी खीर जिस तरह से होती है उसी तरह से हम बनाएंगे। तो ये देखिए कस्टर्ड अच्छी तरह से पक गया है मिल्क के साथ। तो अभी हम इसे यहीं पे बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, ये देखिए। तो कस्टर्ड हमारा जो मिल्क का खीर है वो रेडी हो गया है, ये देखिए काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है, हमने इसमें चावल वगैरह नहीं यूज़ करने हैं। यहाँ पर मैं 1 कप मैंगो प्यूरी वो ले रही हूँ, और साथ ही में 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर मलाई ले ली है, दूध की जो मलाई होती है वो ले ली है, अगर आपके पास ना हो तो आप अमूल की फ्रेश क्रीम जो आती है वो भी ले सकते हो। तो मैंगो प्यूरी और साथ ही में अमूल की क्रीम को हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी खीर ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, साथ ही में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इसमें। और ये मैंने इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है, गार्निशिंग के लिए कुछ जो मैंगो के चंक्स है वो मैंने ऐड कर दिए, ड्राई फ्रूट है और भी मेरे पास थोड़े से फ्राइड है ये ड्राई फ्रूट, तो मैंने वो ऐड कर दिए।
अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और ये हमारी झटपट सी बनने वाली मैंगो खीर रेडी हो गई है और ये बहुत ही यम होती है। आज मैं आपके साथ अफलातून की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मुंबई में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और मिठाई की जितनी भी शॉप्स हैं मुंबई में, ये सब जगह पे अवेलेबल रहता ही है। और बहुत सारे लोग जब भी मुंबई आते हैं तो इसे ज़रूर अपने साथ लेके जाते हैं। तो चलिए हम इसकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप सूजी ली है और हाफ़ कप घी लिया है, एक कप मैंने मावा लिया है और एक कप शुगर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम घी ऐड कर देंगे। घी डालने के बाद हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, सूजी और घी की क्वांटिटी आपको सेम ही रखनी है, तभी ये मिठाई बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसे भूनते जाइए। 4 से 5 मिनट अभी हुए हैं और थोड़ी देर के बाद सूजी इस तरह से कलर चेंज कर लेगी, थोड़े से इसका जो कलर है वो ब्राउन साइड में चला जाएगा, लाइट ब्राउन में। तो ये देखिए इस तरह से। तो जब इस तरह से हो जाए ना, तो हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे, जो चीनी होती है उसे ऐड करेंगे हम, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुगर ऐड करने के बाद आप इसे 4 से 5 मिनट और भूनिए, और उसके बाद हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर आप इसमें डालिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप ये डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए, और 4 से 5 मिनट लगेंगी, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से मिक्स करते जाइए। और अभी हम इसमें मावा ऐड कर देंगे, तो ये भी इसमें डालना ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही में हम इसमें 1 कप दूध भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, तो आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए। इस तरह से जो भी गुठलियाँ हैं इसके अंदर, उसे आप स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाइए। और साथ ही में हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। वैसे इसमें अफलातून में इस तरह से ड्राई फ्रूट नहीं पड़ता है, ये मैंने ऐड किया है, आप भी ऐड कर सकते हो। और साथ ही में हम इसमें रोज़ एसेंस डालेंगे। रोज़ वाटर की इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो आप 1/2 टीस्पून इस जगह पे इलायची पाउडर ऐड कर देना और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए। ये देखिए अभी किस तरह से ये छूटने लगा है, पैन को भी और स्पैचुला को भी आराम से। तो अभी हमें इसे और 4 से 5 मिनट और भूनना है और इसे पका लेना है, ड्राई कर लेना है हमें अच्छी तरह से, जिस तरह हमारा हलवा कैसे होता है वैसे ही आप देखते जाइए। ये हो गया है अभी। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है, इसमें थोड़ा सा घी या ऑयल डालेंगे और इसे ग्रीस कर लेंगे ब्रश की मदद से, आप हाथों से भी कर सकते हो। इस तरह से कर लेंगे और इसमें हम हमारा जो हलवा है अफलातून वो ऐड कर देंगे और इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से फ्लैट कर देंगे इस तरह से स्मूदली। और अभी आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, क्योंकि इसे हमें बाद में कट करना है, तो इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। इस तरह से रख देंगे, 2 से 3 घंटे के बाद हम इसमें कट्स लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप इसे कट कर सकते हो और इसे अफलातून का शेप दे सकते हो। मार्केट में ये इस तरह से ही अवेलेबल रहता है, इसी तरह बटर पेपर में रैप रहता है। तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए ये बताया। और हमारा ये अफलातून रेडी हो गया है। और सच मानिएगा, अगर आप इस तरह से ये रेसिपी को बनाओगे तो आपको की रेसिपी बहुत अच्छी बनने वाली है, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और जिस तरह मार्केट में मिलता है उससे भी कहीं ज़्यादा ये बहुत अच्छी बनी थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।